उसका टेक्निकल नॉलेज कि जो भी कंपोनेंट्स की अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, चाहे वो कॉलम हो, फुटिंग हो, स्लैब हो, बीम हो, स्टेयरकेस हो, छज्जा हो, कोई भी स्ट्रक्चरल कंपोनेंट हो, उस पर एक चीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि उसका एक्चुअल यूज क्या है। अगर वहां पर स्टील लग रहा है तो वो क्यों लग रहा है। हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सिविल गुरुजी। मैं इंजीनियर आकाश भौरे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं सिविल गुरुजी द सिविल इंजीनियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पे। आज हम आए हुए हैं हमारे साइट विजिट पर और आज हम देखने वाले हैं एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के एक बहुत ही अच्छे स्ट्रक्चर के बारे में। हम खड़े हैं यहाँ पर फोर्थ फ्लोर में और इस फोर्थ फ्लोर के आगे भी कंस्ट्रक्शन होने वाला है, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे साइट के पीछे प्रॉपरली। यहाँ पर एक बहुत अच्छा और बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है जिसका नाम है ग्लोबल सॉर्ट और एक बहुत अच्छा एप्लीकेशन जो लॉन्च होने वाला है चिंगारी, उससे रिलेटेड ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है। सो इस प्रोजेक्ट की स्पेसिफिकेशन, जहां हम फोर्थ फ्लोर में खड़े हैं, फ्रेशर्स के लिए जो अपकमिंग इंजीनियर्स हैं उनके लिए एक चीज़ समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई नो कि जब हम स्टार्टिंग होते हैं करियर में तो हमको ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जो समझने में प्रॉब्लम होती है कि कैसे एक अच्छे लेवल, अचीव्ड लेवल पर पहुँचूँ मैं हमारे सिविल फील्ड में, सिविल इंडस्ट्री में कैसे अपना करियर स्टार्ट करूँ। लेकिन मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगा कि जो यहाँ चीज़ का शुरुआत है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ, मैं बात करता हूँ आपसे डिटेल पे बार बेंडिंग शेड्यूल के बारे में, तो अगर मैं इस स्ट्रक्चर की बात करूँ, अगर मैं फोर्थ फ्लोर में खड़ा हूँ तो वो किस वजह से खड़ा हूँ, मुझे इसके स्ट्रक्चर्स का डिटेल समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहला जो पार्ट है हमारा फुटिंग, फुटिंग का मैश, फुटिंग का डिज़ाइन, फुटिंग का प्रॉपर बार बेंडिंग शेड्यूल बनाना, उसका डिटेल पे कैलकुलेशन करना, ये आपको आना चाहिए। उसके बाद जो आता है हमारा कॉलम का पार्ट, जैसे कि आप देख पा रहे हैं आप पर तो कॉलम है ही, ऊपर चलते आ रहे हैं। कॉलम का स्टील रेइंफोर्समेंट, उसका कैलकुलेशन, ड्राइंग रीडिंग को पढ़ना, जैसा अभी मैंने कहा आपको ड्राइंग रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये आप ड्राइंग देख रहे होंगे यहाँ पर बहुत सारी ड्राइंग्स, इन ड्राइंग्स को पढ़ना, इन ड्राइंग्स को पढ़ के समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तभी आपको ये सारी की सारी जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का नॉलेज है वो ओवरव्यू होता है। ड्राइंग इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट यू हैव टू कवर अप। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कॉलम जैसे जैसे ऊपर जाता है उसके साथ साथ आता है हमारा बीम, बीम को कैसे स्टील कैलकुलेशन करना है ड्राइंग को पढ़कर, ड्राइंग को पढ़ने के बाद उसको कटवाना है, लगवाना है प्रॉपरली, उसका क्वांटिटी कैलकुलेशन करना है, ओवल और प्रोजेक्ट में हमारा कितना स्टील रेइंफोर्समेंट यूज़ होता है उसका कैलकुलेशन पार्ट करना। अगला आ गया हमारा स्लैब, स्लैब का पूरा स्टील कैलकुलेट करना, रेइंफोर्समेंट कैलकुलेट करना, बहुत सारी डिटेल्स है। सिमिलरली उसके साथ साथ जो हमारा कास्टिंग के प्रोसेस में स्टार्ट होता है स्टेयर केस का स्टील समझना, स्टील को कटवा के लगाना, इतनी सारी चीज़ें हैं जो हमको समझना है। आपको और जो आपके सुपरवाइज़र, उससे जो चीज़ें अलग करती है उसका टेक्निकल नॉलेज कि जो भी कंपोनेंट्स की अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, चाहे वो कॉलम हो, फुटिंग हो, स्लैब हो, बीम हो, स्टेयरकेस हो, छज्जा हो, कोई भी स्ट्रक्चरल कंपोनेंट हो, उस पर एक चीज़ समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उसका एक्चुअल यूज़ क्या है। अगर वहाँ पर स्टील लग रहा है तो वो क्यों लग रहा है। अगर मैं आपको बात करूँ कि जो कॉलम है यहाँ पर अलग अलग रेइंफोर्समेंट कटा हुआ है तो वो क्यों कटा हुआ है, उसका पर्पज़ क्या है अलग अलग डिस्टेंस पर कटने का, जैसा कि ये सारी चीज़ें डिटेल पर हम कवर अप करते हैं हमारे साथ ट्रेनिंग कोर्स में जिसका नाम है कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कोर्स। डिटेल पे आपको सारी की सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं, वो ए टू जेड जो भी हमारा पार्ट होता है कंप्लीटली स्ट्रक्चरल कंपोनेंट में, एस्टिमेशन, बीबीएस, बिलिंग, क्वांटिटी सर्वे, रेट एनालिसिस, कॉन्ट्रैक्ट एंड टेंडरिंग, बार बेंडिंग शेड्यूल, एक एक पार्ट। अगर मैं सॉफ्टवेयर की बात करूं तो बिल्डिंग बनने से पहले कहीं ना कहीं डिज़ाइन हुई होगी सॉफ्टवेयर के पार्ट पर, तो उस सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करने के लिए जो इंपॉर्टेंट पार्ट है प्लानिंग डिजाइनिंग के लिए ऑटोकैड, 3D मॉडलिंग के लिए रेविट आर्किटेक्चर सॉफ्टवेयर, इस स्ट्रक्चर के स्ट्रक्चरल डिज़ाइन लोड बियरिंग को प्रॉपरली डिज़ाइन करना, एनालिसिस करने के लिए ई टाइप सॉफ्टवेयर, और साथ ही साथ प्रोजेक्ट के शुरू होने से लेकर अंत तक MSP माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट जो आपके प्रोजेक्ट को प्रॉपरली फिनिश करने तक आपकी हेल्प करते हैं, सारा का सारा इंडस्ट्री नॉलेज आपको मिलता है एक जगह सिविल गुरुजी कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कोर्स में। आप इस नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी मेरा नंबर है, आप कॉल कर सकते हैं, काउंसलर से बात करिए, पूछिए कि कैसे आप इंडस्ट्री पे ग्रो कर सकते हैं, अपने करियर के बारे में जानकारी लीजिए काउंसलर को कॉल करके, और उनसे पूछिए कि सिविल गुरुजी किस तरह से आपकी हेल्प कर सकता है, कैसे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, और ये सारी चीज़ें डिटेल पर आप सीख सकते हैं। तो इंजीनियर जैसे कि अब मैं बात करूं कि YouTube यूनिवर्सिटी जो हमारी है डिटेल पर, उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है, हमारे बहुत सारे ऐसे अच्छे अच्छे चैनल्स हैं जहां पर आपको सिविल इंजीनियरिंग का प्रॉपर नॉलेज मिलता है, उसमें से एक सिविल गुरुजी का भी चैनल है प्रॉपरली। तो इस पूरे के पूरे पार्ट पे जो आपको एक अलग बनाता है हमारा कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कोर्स, वो है कि आपको सारी चीज़ सीक्वेंस पे, क्योंकि किसी भी चीज़ को सीखना है, अगर बिल्डिंग बनती भी है तो वही सीक्वेंस में बनती है, नीचे से ऊपर जाती है पूरी। सिमिलरली जो आपका ट्रेनिंग पार्ट है वो भी एक सीक्वेंस में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से और डिटेल पर समझ में आए।
दोस्तों, अगर ये जो आपका वीडियो है ये आपको इन्फॉर्मेटिव लगा और इसके बारे में आपको क्वेरीज हैं तो नीचे कमेंट करके भी मुझसे क्वेरीज पूछ सकते हैं आप, और इसके साथ साथ आप कॉल कर सकते हैं हमारे काउंसलर्स को। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और बहुत सारे हम टॉपिक्स लेकर आते हैं अगर आप न्यू हैं इस चैनल पर, क्योंकि मैंने देखा कमेंट्स में बहुत सारे इंजीनियर्स बोलते हैं कि सर टू वे स्लैब बता दो, वन वे स्लैब बता दो, स्टेयर केस बता दो। मैंने सारा का सारा वीडियोस बना के रखा हुआ है पहले से ही हमारे यूट्यूब चैनल पर, क्योंकि वो आए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया, और जो न्यू है सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल का आइकॉन ज़रूर दबा लें ताकि आने वाले वीडियो के सारे लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलते रहें। और इंजीनियर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है प्लेलिस्ट, आप प्लेलिस्ट को देखना मत भूलें, बहुत सारे वीडियोस उसमें मौजूद होते हैं और सारी की सारी चीज़ें डिटेल पर आपको वहां से सीखने को मिलती है। सो दोस्तों, इसी पार्ट पर कवर अप करते हुए सारी की सारी प्रैक्टिकल स्किल्स की ट्रेनिंग आपको अगर हमारे साथ लेनी है तो कॉल करिए 9111001234, क्योंकि आपको आपकी लर्निंग बढ़ानी पड़ेगी। क्योंकि आज के बाद आप ये नहीं कह सकते ज़रूर कि सर मुझे टाइम नहीं मिला, मुझे मेरे लाइफ में टाइम नहीं मिला कुछ एक्स्ट्रा करने के लिए, कुछ अचीव करने के लिए, क्योंकि अभी इस लॉकडाउन के वक्त जितना टाइम आपको मिला है शायद किसी को और को नहीं मिला होगा। तो ये तो रीज़न बिल्कुल मत दीजिएगा कि टाइम नहीं मिला मुझे ट्रेनिंग करने के लिए, मुझे सीखने के लिए। यही टाइम है अपनी लर्निंग को एनहेंस करने का, क्योंकि अगर आप एक बार लर्निंग एनहेंस करते हैं तभी आपकी अर्निंग होती है, और उस अर्निंग के बेसिस पर आप अपने करियर को सक्सेसफुली ग्रोथ करते हैं। सो इंजीनियर्स, इसी जोश और जुनून के साथ मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।